राजीव गांधी ने देश के लिए क्या क्या किया, इसकी चर्चा तो कांग्रेस गाहे बगाहे करती ही रहती है, पर राजीव गांधी ने क्या गलतियां की थी इस पर मौन हो जाती है। पर हम मौन नहीं हैं। आज हम आपको बताएंगे राजीव गांधी की वो पांच बड़ी गलतियां जो कांग्रेस के गले का फांस बन जाती है। पहली गलती राजीव गांधी का वो बयान जो उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए सिख दंगों पर दिया था। तब तो राजीव गांधी को इस बयान पर तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी थी, लेकिन अब वही तालियां कांग्रेस के लिए गालियां बन चुकी है। वही दूसरी गलती, भोपाल गैस कांड मामले में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के मालिक वॉरेन एंडरसन की रिहाई। राजीव गांधी सरकार के गृह मंत्री की इस गलती की सजा आज भी कांग्रेस भुगत रही है। उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे, जिन्होंने बाद में वॉरेन एंडरसन मामले का जिक्र अपनी किताब ए ग्रेन ऑफ सैंड इन द आवर ग्लास ऑफ टाइम में किया था। वही साहबानो केस राजीव गांधी की तीसरी सबसे बड़ी गलती रही। मुस्लिम संगठनों के दबाव में आकर राजीव गांधी की सरकार ने एक अधिनियम पारित करके साहबानो को उसके अधिकारों से वंचित कर दिया था। इस गलती की सजा आज भी कांग्रेस भुगत रही है। नंबर चार, यानी भ्रष्टाचार। राजीव गांधी की सरकार के समय इतने भ्रष्टाचार होते थे कि खुद राजीव गांधी को कहना पड़ गया था कि हमारी योजनाएं जनता तक पहुंच नहीं पाती। पांचवी सबसे बड़ी गलती जिसका खामियाजा कांग्रेस को परेशानी में डाल देता है, वो है बोफोर्स घोटाला। इस घोटाले के बाद 1989 में जब चुनाव हुए थे तो बोफोर्स की वजह से कांग्रेस हार गई थी, और इन सब गलतियों के लिए कांग्रेस मन ही मन आज भी राजीव गांधी को कोसती जरूर होगी।